तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस्माइल्स हाउस। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर आपके लिए क्रिएट करती हूँ और फिर उससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इस्माइल्स हाउस से श्रीजाता के हाउस तक का स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुकी हूँ। बीच में है पार्क, ब्रिज, मिल्क बूथ एंड यहाँ पे है श्रीजाता का हाउस। पहले मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट रीड करने वाली हूँ और उसके बेसिस पे बताने वाली हूँ क्या है। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, मतलब इस्माइल श्रीजाता को बोल रहे हैं वो अपने घर से मिल्क बूथ पहुंचे। देन टेक अ लेफ्ट टर्न, देन टेक अ लेफ्ट टर्न उन्होंने बोला है, एक लेफ्ट टर्न लीजिए। फ्रॉम सेकेंड क्रॉसिंग टेक राइट टर्न, अब अगर वो मिल्क बूथ पहुंच के लेफ्ट टर्न ले रहे हैं वैसे तो एंड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे हैं सेकेंड क्रॉसिंग यहाँ से टेक अ राइट टर्न, ब्रिज कह रहे हैं, गो ओवर द ब्रिज, गो स्ट्रेट देन टेक फर्स्ट टर्न आफ्टर अबाउट 100 meters यू विल सी बिग पार्क। गो स्ट्रेट, ब्रिज से स्ट्रेट जाना है ये बोला है उन्होंने। देन टेक फर्स्ट राइट, ब्रिज से जो फर्स्ट राइट आ रहा है दैट इज पार्क की तरफ, टेक दैट अबाउट यू विल सी अ बिग पार्क, पार्क है यहाँ पे राइट। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन, माय हाउस इज फर्स्ट इन दैट लेन। पार्क क्रॉस करेंगे तो एक साइड लेन आएगी और वहाँ पे इस्माइल ने बोला है उनका घर है। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं। Did Ismail go wrong somewhere? Correct him. Yes, उन्होंने गलत बोला है। आपको याद है उन्होंने श्रीजाता को ये लाइन बोली थी कि रीच मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, मिल्क बूथ पहुंच के उन्हें लेफ्ट टर्न लेना, जबकि लेफ्ट टर्न नहीं लेना था उन्हें, उन्हें स्ट्रेट जाके ब्रिज से राइट टर्न लेके मूव आउट करना था। तो इसका आंसर उन्होंने गलत बोला है, तो चलिए करेक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए आंसर और क्वेश्चन दोनों लिख दिया है, तो चलिए रीड करते हैं। डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, करेक्ट है जी, इस्माइल ने गलत बोला था। इस्माइल ने जब बोला था ना यहाँ से कि ब्रिज से आप फर्स्ट राइट टर्न लीजिए, वो उन्होंने गलत बोला था। तो येस, इस्माइल वेंट रॉन्ग आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, ही शुड हैव टोल्ड श्रीजाता टू टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न इंस्टेड ऑफ फर्स्ट राइट टर्न आफ्टर द ब्रिज। ब्रिज क्रॉस करने के बाद उन्होंने बोल दिया था राइट टर्न, राइट नहीं लेफ्ट टर्न बोलना चाहिए था। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए आंसर, आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, तो श्रीजाता कहाँ पहुँचेंगी अगर वो रूट लेती हैं जो उन्हें बताया गया है। ऑब्वियसली वो इस्माइल के घर के उल्टे डायरेक्शन में पहुँच जाएंगी, तो आंसर विल बी शी विल गो टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इस्माइल हाउस। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू श्रीजाता हाउस। आपको श्रीजाता हाउस पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट आना पड़ेगा, फिर आप ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो आपको फर्स्ट लेफ्ट लेके ब्रिज क्रॉस करके फिर स्ट्रेट आना पड़ेगा मिल्क बूथ की तरफ। स्ट्रेट आके एक मिल्क बूथ आएगा, मिल्क बूथ से स्ट्रेट आके लेन में फर्स्ट हाउस रहेगा श्रीजाता का। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसे। ओके, तो मैं लिख चुकी हूँ आपके लिए आंसर भी और क्वेश्चन भी। राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग टू इस्माइल्स हाउस, गोइंग इस्माइल हाउस टू श्रीजाता हाउस, इस्माइल के घर से हमें श्रीजाता के हाउस में जाना है। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शंस हैं, फर्स्ट है फ्रॉम इस्माइल हाउस इन दिस साइड लेन कम टू द मेन रोड, क्रॉस द पार्क देन टेक फर्स्ट राइट, गो ओवर द ब्रिज, गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न,
From the second crossing, take a right turn and you will reach Srijata's house up in the lane. आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ये आंसर लिख सकते हैं. सो वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन. यहाँ पे होता है ये लेसन एंड और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो भी साम्स थे मैं इस लेसन में सब आपके साथ कवर कर चुकी हूँ. अब रहते हैं इस लेसन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी. तब तक आप इस व्यू को थोड़ा सा इस लेसन को रिवाइज ऑफ कीजिए, इन व्यूज़ को समझिए और जो मैंने आपको एग्जांपल कहा है वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये लेसन समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.